नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको देहरादून का स्प्रिंग फेस्टिवल या वसंतोत्सव दिखाने जा रहे हैं। बागवानी के शौकीन देहरादून के लोगों को इस फेस्टिवल का साल भर इंतजार रहता है। ये जगह देहरादून की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। दरअसल ये उत्तराखंड का गवर्नर हाउस है। आज भी यहां आपको ब्रिटिश पीरियड के ऊंचे ऊंचे दरख्त देखने को मिल जाएंगे। आज जिस इमारत में उत्तराखंड का राजभवन है, उसे सन 1902 में बनाया गया था और तब इसका नाम कोर्ट हाउस हुआ करता था। जब भी अंग्रेज गवर्नर देहरादून आते तो वो इसी जगह रुका करते। राजभवन का अपना भाग तो देखने लायक है ही, लेकिन इस मौके पर यहां कई तरह के फूलों और बागवानी से जुड़ी तमाम चीजों के सैकड़ों स्टॉल लगते हैं। ये देखिए, फूलों से बने इन सेल्फी पॉइंट्स पर लोग अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ट्यूलिप के फूल इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन चुके हैं। यहां सैकड़ों प्रजातियों के फूल हैं, लेकिन ट्यूलिप देखते ही लोग ठहर जाते हैं और इनके साथ अपनी तस्वीरें लेने लगते हैं। ये मूल रूप से तुर्की और इसके आसपास के देशों का फूल है। ट्यूलिप को शायद आपने भी पहली बार सिलसिला फिल्म में देखा होगा। रेखा और अमिताभ पर फिल्माया गया इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग नीदरलैंड के ट्यूलिप गार्डन में शूट किया गया था, लेकिन अब कश्मीर के बाद उत्तराखंड में भी ट्यूलिप तेजी से अपनी जगह बना रहा है। मेरा नाम कार्तिक थपलियाल है, मैं देहरादून पट्टियों वाला चंद्रमणि का रहने वाला हूँ। हमारी नर्सरी है ब्रह्मकमल नर्सरी, जिसमें कि हम लोग मेनली एक्जोटिक फ्लावर्स ही हम उसमें उगाते हैं। जैसे कि हमने अभी ट्यूलिप लगाया है, ट्यूलिप और लिली लगाया हमने मेनली। ट्यूलिप में हमारे पास अलग अलग वैराइटीज़ हैं, यूनिवर्सल है हमारे पास और हकून है हमारे पास, काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं अलग अलग कलर में। हमने दिसंबर में ये उगाया था, जिसमें कि इसमें सीडलिंग्स जो है जनवरी में स्टार्ट हो गई थी, मार्च में ये फ्लारिंग देने लगा है। अभी अप्रॉक्सीमेट अप्रैल टू मार्च तक चलेगा। उसके बाद आप इसके जो नीचे बल्ब है, बल्ब को निकाल करके आप दोबारा से रख लेंगे, वो फिर आप दिसंबर में प्लांट करेंगे, वो फिर दोबारा से 6 मंथ्स जो है आपको फ्लारिंग देगा। रंग बिरंगे फूलों को देखकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। फूलों का शौक किसे नहीं होता, फूल किसे पसंद नहीं होते हैं। सो देखकर मन खुश हो गया है और मौसम भी आज साथ दे रहा है तो और मजा आ रहा है। आई एम अंजना साहनी एडवोकेट एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल। हम यहीं रहते हैं, सो वी कम एवरी ईयर, वी एंजॉय दिस, वी वेट फॉर दिस मोमेंट रादर। आई लव फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, कलर्स आर सो प्रिटी, सो रियली वी एंजॉयड। पब्लिक भी मैं देख रही हूँ बहुत इंजॉय कर रही है, रियली लव दिस फ्लावर्स एंड ऑल कलेक्शन। फेस्टिवल में इस बार लगभग 35 सरकारी विभाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां देहरादून की कई नर्सरियां भी हैं। आइए आपको कुछ कट फ्लावर्स दिखाते हैं। गुलदावदी और गेंदा तो आप पहचानते होंगे, लेकिन यहाँ कई तरह के और भी कट फ्लावर्स हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हर फूल यहाँ इतने रंगों में आपको देखने को मिलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो फूलों को देखते देखते थकान महसूस नहीं होती, लेकिन यदि आप कुछ देर सुस्ताना चाहें तो आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। ये स्टॉल दून प्लांट लवर्स का है और इनका मकसद बड़ा नेक है। बेसिक एम ये है कि प्लांट लवर्स एक जगह इकट्ठे हों, एक दूसरे से जो
जानकारी रहती है वो एक दूसरे से शेयर करें और अपने स्किल्स को बढ़ाएं। एक्चुअली अब क्या है कि जगह है लोगों के पास, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि कम होती जा रही है। बालकनी में, छत पे जो जगह है उसको यूज़ करने करके अब लोग वहाँ पे करते हैं। तो लेकिन बालकनी और छत में ग्रो करना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि आप गमले में करते हो, उतने स्पेस में करते हो, कई बार वहाँ धूप ठीक से नहीं आती। तो हम लोग का जो ग्रुप है ना, हम लोग यही करते हैं कि हम लोग कैसे सॉइल मिक्स बनाना है गमले में, कौन सा प्लांट धूप में ज़्यादा जाएगा, छांव में जाएगा, छांव में जाएगा तो उसको उसमें भी फ्लावरिंग कौन सा होगा। तो हम लोग उसी को बढ़ावा देने के लिए अपना ग्रुप बनाया हुआ है और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और जाके हम लोग एक दूसरे के घर भी देखते हैं कि आपके प्लांट में क्या कमी है, जिससे कि हम आप ये करोगे तो आपका अच्छा रहेगा। यहाँ बागवानी से जुड़े स्थानीय उत्पादों के बहुत से स्टॉल्स हैं जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हमें इम्प्रेस किया लांघा वैली के इस स्टॉल ने। ये सारे उत्पाद लांघा घाटी की महिलाएं बनाती हैं। इनके प्रोडक्ट्स तो शानदार हैं ही, लेकिन इनकी पैकेजिंग और डिस्प्ले भी बेहद खूबसूरत है। अभी हमारी लोकल कुछ 10 फीमेल्स हैं जो हमारे साथ परमानेंटली जुड़ी हुई है। इसके अलावा जैसे फ्रूट का सीज़न आता है तो फिर हम बुला लेते हैं, आसपास की महिलाएं भी जुड़ जाती हैं, तो कुछ 30 से 40 महिलाएं सीज़न के टाइम पे हमारे साथ होती हैं। पिकल्स में हमारी अभी 21 वैरायटीज़ हैं, जिसमें आम का, कटहल का, कच्ची हल्दी का, मेथी दाना, हर तरीके के हम अचार बनाते हैं। और बाकी इसके अलावा हम लोग जैम्स बनाते हैं। जैम्स में हमारा एप्पल जैम हो गया, पीच जैम हो गया, और प्लम जैम है, मैंगो जैम है। और जैम्स में भी हम लोग प्रिजर्वेटिव बिल्कुल नहीं डालते हैं। 75% और मोर देन 75% हमारा इसमें जो फ्रूट पल्प होता है, और बाकी 15-20% हम इसमें शुगर ऐड करते हैं और लाइम जूस प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा हम कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं करते हैं। बाकी हमारा रॉ हनी है, रॉ हनी भी हमारा सिर्फ हम फिल्टर करते हैं और उसमें भी कोई हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं, उसमें भी किसी तरीके एडिटिव्स हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो अभी हमारा ये प्रोसेस है, अब हम धीरे धीरे इसी को स्केल अप करने का कोशिश कर रहे हैं। मशरूम की खेती से आजकल उत्तराखंड के कई किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। डिंगरी मशरूम है, बटन मशरूम है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है एक हफ्ते की, जो सरकारी विभाग है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें बटन, डिंगरी और आपके मिल्की, तीन मशरूम की ट्रेनिंग इस विभाग द्वारा दी जाती है। उत्तराखंड की कोई भी एग्जीबिशन बुरांस के स्क्वाश के बिना अधूरी है। यहाँ आपको कई स्टॉल्स पर अलग अलग तरह के स्क्वाश मिल जाएंगे। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो काश्तकारों को ट्रेनिंग देते हैं, या हमारे वहाँ दो स्टोर चलते हैं, इसमें वन ईयर डिप्लोमा देते हैं हम, तो उन बच्चों द्वारा बनाया गया उत्पाद है। और जो हम गाँव और देहातों में महिलाओं को या महिला समूह को प्रशिक्षण देते हैं फूड प्रोसेसिंग के, जो उनके काश्तकारों का जो उत्पादन तो बर्बाद होता है या वो गिर जाता है, उससे प्रोडक्ट निकाल गया वो अपने आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस उसी उत्पाद के लिए हमने ये डेमो काश्तकारों द्वारा या छात्रों के द्वारा हमारा वो रखा गया है। आइए अब आपको एक झलक दिखाते हैं राजभवन के बोनसाई प्लांट्स के। बोनसाई का अर्थ होता है कंटेनर या बर्तन में लगाया पौधा। पेड़ों को उनके मिनिएचर फॉर्म में लगाने का यह आर्ट जापान में विकसित हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत कोई 2000 साल पहले चीन से हुई थी। जापान में आज कई बोनसाई गार्डन हैं। कहा जाता है कि इनमें कई पेड़ 800 से 1000 साल पुराने हैं। पुराने और सुंदर बोनसाई के मुंह मांगे दाम मिलते हैं और इस तरह ये बेहद फायदे वाला बिजनेस बन चुका है। We'll be right back.
यदि आप भी हॉर्टिकल्चर के फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं तो ये स्टॉल बहुत मददगार साबित होने वाला है। मेरा नाम दीवान सिंह कारकी है, मैं NHB में एम्प्लॉय हूँ और ये हमारी जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर स्कीम चल रही है, इसके अंदर किसानों को क्या है कि 50% सब्सिडी बैक एडिट देते हैं हम लोग और सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन है हमारा। और ये जो है कॉमर्शियल को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास लार्ज स्केल में प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में मिनिमम 2500 स्क्वायर मीटर, ओपन फील्ड में मिनिमम 5 एकड़ से स्टार्ट होता है वो आपके, और एक प्रोजेक्ट में मैक्सिमम हम प्रोडक्टिव कल्टीवेशन में 56 लाख रुपये सब्सिडी देते हैं और ओपन फील्ड में जो है हम 37.5 लाख हिल स्टेट को दे रहे हैं, 30 लाख प्लेन एरिया को दे रहे हैं। हमारी स्कीम में ऑल फ्रूट हैं सारे, चाहे वो आम का बगीचा लगाए, सेब का लगाए, आड़ू लगाए, प्लम का लगाए, अखरोट का, ये सारी जो भी हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं वो सारे कर सकते हैं। फलों और फूलों का बाजार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसमें उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। मैं डॉक्टर सतीश चंद्र 15वें का प्रोफेसर हूँ और मेरा फ्रूट पे भी है और फ्लोरिकल्चर में भी एक्सपर्टीज है, तो उत्तराखंड में तो अपार संभावना है क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारी क्लाइमेट है, जैसे हिल्स पे क्लाइमेट है ना, और नीचे मैदान में क्या नाम क्लाइमेट है, तो कुछ चीज़ें जो हमारी शरद ऋतु में होती है वो हम लोग पहाड़ पर गर्मी में कर सकते हैं। तो इस टाइप से जैसे आपके पास गेंदा है, झरबेरा है, गडलेस है, तो इनकी हम लोग खेती कर सकते हैं प्लेन में भी और हिल्स में भी, और इसकी अच्छी डिमांड भी है आज की डेट में क्योंकि जगह जगह आप लोग देखते हैं डेकोरेशन का बहुत क्रेज है और गिफ्ट में भी आजकल बाकी जो गिफ्ट देते हैं वो सब बंद हो गया है, वो गिफ्ट में भी आपको जो मिल रहा है फ्लावर बुके हैं, कट फ्लावर हमारे डेकोरेशन में काम आता है, मैक्सिमम डेकोरेशन में कहना काम आता है और यहाँ उसकी कल्टिवेशन आप कर सकते हैं। जैसे गर्डलस है, आपके पास पोली हाउस नहीं है तो आप उसका ओपन में करिए, देखिए सामने आप देख रहे होंगे कहना गर्डलस रखा हुआ है ना, तो आप ओपन में करिए। झरबेरा है तो कंट्रोल कंडीशन में कहना कर लीजिए है ना, तो प्लास्टिक हाउस में हो जाएगा, बहुत कम जगह में हो जाएगा, तो इसकी खेती अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कहना प्रॉफिट मिलेगा। फूलों में सबसे थोड़ी सी दिक्कत थी पहले कि मार्केट की प्रॉब्लम थी, आज की डेट में मार्केट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके खेत से जो है वेंडर्स फूल तोड़ के ले जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैदान के बीचों बीच बने इस स्टेज पर हर शाम कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जिन्हें देखकर आप उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो यदि कभी मार्च में आपका देहरादून आना हो तो इस फेस्टिवल को देखना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।